गिनती की पुस्तक अध्याय आठ। गिनती की पुस्तक अध्याय आठ। दिवट के बारने की रीति। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर यह कह कि जब जब तू दीपकों को बारे तब तब सातों दीपक का प्रकाश दिवट के सामने हो। निदान हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को बारा कि वे दिवट के सामने उजियाला दे। और दिवट की बनावट यह थी, अर्थात यह पाए से लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दिवट को बनाया। लेवियों के नियुक्त होने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे, फिर वे सर्वांग मुंडन कराए और वस्त्र धोए और वे अपने को स्वच्छ करे। तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्नबलि समेत एक बछड़ा ले ले, और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना, और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप पहुंचाना और इस्राएलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इस्राएली अपने अपने हाथ उन पर रखे। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इस्राएलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे, और लेवीय अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखे। तब तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना, और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सन्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना और उन्हें इस्राएलियों में से अलग करना, सो वे मेरे ही ठहरेंगे। और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करे, क्योंकि वे इस्राएलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं। मैंने उनको सब इस्राएलियों में से एक एक स्त्री के पहलौठे की संति अपना कर लिया है। इस्राएलियों के पहलौठे चाहे पुरुष के हो चाहे पशु के, सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहलौठों को मार डाला, और मैंने इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को ले लिया है। उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इस्राएलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इस्राएलियों के निमित्त सेवकाई और प्रायश्चित किया करे। कहीं ऐसा न हो कि जब इस्राएली पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। लेवियों के विषय यहोवा की यह आज्ञा पाकर मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली ने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। लेवियों ने तो अपने को पाप से पावन किया और अपने अपने वस्त्रों को धो डाला, और हारून ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने को उसके लिए प्रायश्चित भी किया। और उसके बाद लेवीय हारून और उसके पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपनी अपनी सेवकाई करने को गए, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय दी थी उसी के अनुसार वे उनसे व्यवहार करने लगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो लेवियों को करना है वह यह है कि 25 वर्ष की अवस्था से लेकर उससे अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें, और जब 50 वर्ष के हो तो फिर उस सेवा के लिए न आए और न काम करें, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करें और किसी प्रकार की सेवकाई न करें।
लेवियों को जो जो काम सौंपे जाए उनके विषय तू उनसे ऐसा ही करना।